हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M क्लासेज में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 का नाम है किरण प्रकाशी की। काफी बड़ा चैप्टर है बच्चों, काफी अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें कंसेप्ट चलते हैं। तो मैं आप सभी को इस चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को एक वीडियो में करवाने वाला हूं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि बच्चों चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को उन सभी क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं जो पिछले वर्षों में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। इसीलिए जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल यहीं से क्वेश्चन बनता है। सिर्फ वो संख्यात्मक मान बदल देता है, कंसेप्ट वही होता है, सवाल की परिभाषा वही होती है। इसीलिए बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी काफी खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में भाई पूछ लेना क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है और कंसेप्ट इसमें अच्छे खासे चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वहां फ्री में अपलोड कर दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याय क्रम से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन स्टार्टिंग करना होता है बच्चों बोर्ड में, वहां आपको लिखना है जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हो उसका आंसर डालना है। उसके बाद आपको लिखना है गिवन डाटा। इतना करने के बाद आप ये देखिए आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। आपको ना वक्रता त्रिज्या दी हुई है, याद रहे लेंस कौन सा है, उत्तल। उत्तल लेंस बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपकी पहली सतह होती है, ये आपकी दूसरी सतह होती है। तो इस सतह का गोला इधर बनेगा, इस सतह का गोला इधर बनता है ना। तो ये आपका जो R1 होता है वो प्लस का लिया जाता है और जो आपका R2 होता है वो माइनस का लिया जाता है। ये बात आपको समझनी होगी, आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा। तो इसका अब देखिए अपवर्तनांक मतलब इनका मान दिया हुआ है आपको 1.5 है। आप सभी फॉर्मूला जानते होंगे, फोकस दूरी पूछ रहा है ना आपसे, तो फोकस दूरी निकालने पहले लिख देते हैं भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों इसका, 1/F बराबर में N2/N1 माइनस का 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस का 1/8, ये आपका फॉर्मूला होता है। N2 और N1 क्या होते हैं, माध्यम के अपवर्तनांक होते हैं। यहां आपको सिर्फ ये कहा है कि इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो जो दूसरा माध्यम है बच्चों वो आपको वायु मान के चलना होगा। इसका मतलब जो N2 है वो आपका 1.5 है और जो N1 है वो वायु है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो नया फॉर्मूला बनने वाला है वो 1/F, तो N2/N1 को आप क्या मानते आए हो अब तक, आप इसको N मानते आए हो। तो N माइनस का 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/F, N का मान कितना है 1.5 माइनस का 1, 1/R1, R1 की वैल्यू है 15। देखो माइनस R2 का मान है माइनस का 30, यहां आप रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 30 हो जाना है। तो देखिए आगे क्या होगा, तो 1.5 में से 1 गया तो यहां से आपका 0.5 बचेगा। अब देखो आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया इसका 30, 15 का भाग आप 30 में दोगे दो बार जाएगा, 2 1 से गुणा हुआ तो 2, 30 से कम 30, 1/F। ध्यान रहे ये 1/F चलता है ना, कभी आप F के बराबर चल दो तो गलत आंसर आ जाएगा। तो 0.5 गुणा में 2 और 1 आपका 3/30 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 30 कितनी बार, 10 बार, 1/10। आगे इसको आप सोल्व करते हो, यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो 5/10 गुणा में 10, तो 5 से कट जाएगा 10 दो बार, तो 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ये 1/20 आया है ना, ये 1/F का मान है, बट आपको तो फोकस दूरी निकालनी है ना, तो इनको पलट दीजिए। तो F कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और ये किसका आएगा, प्लस का आपका आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टार्टिंग करनी है आंसर नंबर सेकंड गिवन डाटा। ऐसे ही बच्चों आपको बोर्ड में सवाल करना है प्रॉपर, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे नंबर आपको दे सके। देखो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किसकी होती है, माइनस की होती है। आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आपने आर और एफ में तो संबंध पढ़ा होगा, क्या होता है आर बराबर में 2f। अब आपको तो f निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा r बाई 2। तो f बराबर में r का मान है माइनस का 40 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +5 डायप्टर एवं माइनस का 3 डायप्टर है। ये डायप्टर है बच्चों, डायप्टर जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, ये आपको पता होगा। परस्पर संपर्क में रखे है संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दो पतले लेंस है, क्षमता दी हुई दोनों की, आप संपर्क में रखे हुए हैं, आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देखो क्षमता और फोकस दूरी में रिलेशन होता है, ये दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इजीली निकल जाएगा, पहले हम ना क्षमता निकाल लेते हैं दोनों की कितनी होने वाली है जोड़कर, है ना। देखो तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आंसर नंबर थर्ड गिवन डाटा, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो पहले की पावर मान लेते हैं P1 प्लस की 5 डायप्टर, दूसरे की पावर मान लेते हैं P2 माइनस की 3 डायप्टर। तो आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, F पूछ रहा है, राइट। अब देखो तो P1 और P2 दिया हुआ है आपको, तो इससे संबंध होता है कि जितने भी लेंस लगे होंगे उन सबकी आप क्षमता को जोड़ दीजिए, कुल क्षमता निकल कर आ जाएगी लेंसों की संयोजन की, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आपने, 1/F बराबर 1/F1 बटा में 1/F2 1/F3 पतले लेंसों का संयोजन। फिर आपने P बराबर होता है 1/F, तो यहाँ आपने P1 प्लस में P2 प्लस में P3 ऐसे आपने जमाया होगा बच्चों, है ना, ठीक है। तो P बराबर में प्लस का 5 डायप्टर माइनस का 3 डायप्टर, ये आ जाएगा आपका प्लस का 2 डायप्टर। ये तो आ गई क्षमता, आपको निकालनी है फोकस दूरी। तो संबंध होता है प्यारे बच्चों पी बराबर में 1/F। अब आपको एफ चाहिए, तो एफ बराबर में क्या हो जाएगा 1/D, तो एफ बराबर में 1/2, राइट। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, ये आपका 0. क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। याद रखो बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि सवाल में काम नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, है ना। देखो पी बराबर में एक 1/ एफ होता है, ठीक, ये तो होता है बच्चों मीटर में, याद रहे। पी बराबर में 100/ एफ होता है, ये होता है सेंटीमीटर में। अब यहां हमसे कुछ नहीं कहा, कोई मान हमें ना सेंटीमीटर में मिला है ना कोई हमें मीटर में मिला है, जिससे कि भाई हम ये पता कर सके कि मीटर में निकालना है फिर सेंटीमीटर में निकालना है फोकस दूरी। तो कुछ ना कहे तो आपको सिर्फ मीटर में निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूले को लगा दोगे। यदि वैल्यू कुछ वहां पर सेंटीमीटर में दी हुई है और तब आपको फोकस दूरी निकालनी पड़ जाए, पावर निकालनी पड़ जाए, पावर का सीधा सा है डायप्टर होने वाला है, फोकस दूरी निकालनी पड़ जाए, तो फिर आप आराम से सेंटीमीटर वाला कर लोगे, ये बात आपको समझनी होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, आकार का मतलब क्या है, मतलब बिंब की आपको ऊंचाई दी हुई है। तो आंसर नंबर 4, जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हुए चलिए, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई को हम प्रेजेंट करते हैं एच से, कितनी है 3 सेंटीमीटर। कि कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको आर का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, लेकिन किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि आपका दर्पण कौन सा है, अवतल। आगे कह रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब वस्तु का आकार तो 3 सेंटीमीटर, वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है 30 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है बिंब की दूरी, और किसकी ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी, क्योंकि अवतल दर्पण में हम वस्तु कहाँ रखते हैं, सामने की ओर रखते हैं। आगे कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, यानी कि आपको वी निकालना है, वो आकार मतलब आपको एच डैश भी निकालना है, एवं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब प्रकृति बतानी है, भाई वास्तु बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनने वाला है, ये भी आपको बताना है।
तो देखिए बच्चों, अब स्टार्ट आपको कैसे करना है, दो सवाल ये है बच्चों आपके सामने, ये आ जाएंगे तो प्रकृति तो नॉर्मल है, उसको तो हम आसानी से बता देंगे, इसको निकालने बच्चों की जान निकल जाती है भाई, सीधी बात तो ये है। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले मुझे वी निकालना है। वी कब निकल सकता है, जब हमें फोकस दूरी पता हो, हमें बिंब दूरी पता हो, तो हम दर्पण सूत्र लगाकर वी निकाल सकते हैं। यू पता है, वी निकालना है, एफ पता लग जाए काम हो जाएगा। लेकिन एफ कैसे निकाले, एफ निकालने के लिए आर दिया हुआ है, तो संबंध जानते होंगे आप सभी, आर बराबर क्या होता है, टू एफ होता है। एफ निकालोगे तो आर वाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो आर का मान है यहां माइनस का 40 बटा में 2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। चलो एफ निकल चुका है, अब दर्पण सूत्र लगा दो, एक बटा में एफ बराबर एक बटा में वी प्लस में एक बटा में यू। तो एक बटा में एफ का मान है माइनस का 20, एक बटा में वी तो आपको निकालना है, यू का मान है माइनस का 30, तो एक बटा में 30। अब देखो आगे, तो एक बटा में जो वी है, यहां माइनस का एक बटा में 20 है, इसको आप वहां पहुंचाओगे तो प्लस का एक बटा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लघुत्तम कितना आया, 60, यहां माइनस का 3, यहां प्लस का 2, तो एक बटा में वी बराबर माइनस का एक बटा में 60 हो जाएगा। वी निकालना है तो यहां माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। चलो एक सवाल सोल्व हुआ, अब आपको एच डेस और निकालना है। देखो बच्चों, आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम बराबर में एच डेस बटे में एच, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई का अनुपात। लेकिन आपको तो यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, बिंब की ऊंचाई हालांकि आपको दे रखी है, लेकिन आपको तो आवर्धन के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं। लेकिन बच्चों, आप सभी ने आवर्धन के चार फॉर्मूले पढ़े होंगे, जिनमें से मैं यूज कर रहा हूं माइनस का वी अपॉन में यू वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे वी और यू का मान पता है इसलिए। तो देखिए कैसे करोगे, तो एच डैश निकालना है बटे में, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है आपकी 3, 3 जमा दीजिए बराबर माइनस, वी का मान कितना निकल कर आया, माइनस का 60, तो यहां माइनस का 60 जमा दीजिए बटे में, यू का मान कितना है, माइनस का 30 जमा दीजिए। तो एच डेस बटा में 3 माइनस माइनस प्लस 60 माइनस का 30, भाग लगाओगे तो एच डेस बटा में 3 ये आ जाएगा माइनस का 2, गुणा करोगे तो एच डेस बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये आपकी प्रतिबिंब में क्या जाएगी, ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बताओगे। अब देखो, तुम सुनो ध्यान से मेरी बात, एच डेस का मान माइनस माया, इसका मतलब जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना, नीचे बना है। और सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तव में किरण मिलती है। और कैसे बना, उल्टा बना, और साथ के साथ बिंब से क्या है, बड़ा बना, क्योंकि बिंब की जो ऊंचाई वो 3 है, इसकी कितनी आई है, 6 आई है, इसका मतलब ये बिंब से क्या है, बड़ा बना। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का पतला उत्तल लेंस एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस है दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर है, जो आपका अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो फोकस दूरियां है वो धनात्मक और ऋणात्मक होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। रखे हुए हैं संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी और प्रकृति आपको बतानी है। देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है, पहले डालना है आंसर नंबर 5, लिखोगे आप सभी गिवन डाटा, क्या डाटा आपको दिया हुआ है। तो देखो, जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो इस फोकस दूरी को मैं मान लेता हूं F1। और उत्तल लेंस जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अवतल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं F2, वो किसकी होती है, माइनस की, कितनी है, 30, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो निकाय की संयुक्त फोकस दूरी आपको निकालनी है, मतलब आपको F निकालना है, ये आपको निकालना है। तो देखो, दो पतले लेंसों का आपने संयोजन पढ़ा होगा, तो वहां पर फोकस दूरी का एक फॉर्मूला आता है, एक बटा में F1 बराबर एक बटा में F1 प्लस में एक बटा में F2 प्लस में, ऐसे चलता रहता है आगे। लेकिन हम यहाँ दो लेंसों को काम में ले रहे हैं, इसलिए हम F2 तक ही फॉर्मूला बना लेंगे। तो बराबर में एक बटा में एफ बराबर में एक बटा में F1 60 प्लस एक बटा में माइनस का 30, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटा में 60 माइनस का एक बटा में 30। तो देखिए आगे क्या होने वाला है,
तो एक बटा में एफ बराबर यहां से लघुत्तम आया कितना 60, तो यहां एक, यहां माइनस का 2, कितना बचेगा माइनस का 1 बटा में 60, तो फोकस दूरी आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर निकलकर। अब आपको प्रकृति और बतानी है, तो देखो फोकस दूरी माइनस क्या ये है, तो फोकस दूरी माइनस के किस में होती है, उत्तल में होती है, अवतल में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों F2 क्या माना था हमने, अवतल। तो किसकी भांति कार्य करने वाला है ये, अवतल लेंस की भांति ये कार्य करेगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है बच्चों। ये थे आपके फर्स्ट जो पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 9 का किरण प्रकाशी का, वो कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा बच्चों, जिसके अंदर और अव्वल दर्जे के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामों में, इन क्वेश्चनों को यदि आप कर लेते हो तो फिर इसके अंदर से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ भाई ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कि क्लास का जो पीडीएफ है आपको वहां पर मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं, कमेंटों का इंतजार रहेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।